नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब भी मैं कुछ शेयर बाय करता हूँ या सेल करता हूँ तो आप सभी को बताता हूँ, तो अपन ईमानदारी के साथ चलते हैं दोस्तों। तो चलिए, आज मैंने जो बाय किए शेयर उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से मैंने शेयर बाय किए और उनका जो लेवल है उसकी बात करेंगे कि किस लेवल पर आप ये चाहें तो बाय कर सकते हैं। और यदि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो एवरेज करते रहिए, अच्छा खासा आने वाले टाइम में मल्टीबैगर ये स्टॉक बन सकते हैं। चलते हैं, हमारे जो आज मैंने हमने बाय किए जो शेयर उनकी तरफ दिखा देता हूँ कि कौन से हैं और उनका देखें कि कितना डाउन पे अभी फ़िलहाल मिल रहे हैं। तो शेयर की तरफ चलते हैं कि कौन से वो शेयर हैं। तो शेयर की बात करें दोस्तों, तो पहला जो शेयर है मैंने लिया है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी बात करें तो 3 क्वान्टिटी लिए और 30 रुपये के आसपास का जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है आज ही, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात करें तो एक मेरे पास मैंने जो आज लिया है हैप्पीएस्ट माइंड, जो कि आईटी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है, 3 रुपये के आसपास का लॉस देखने को मिला है। उसके बाद मैं बता दूं कि नवीन फ्लोरिन के मेरे पास जो है 4 स्टॉक थे जो कि अच्छे खासे प्रॉफिट में मिल रहे थे, लेकिन इसमें जो है कुछ क्वालिटी अच्छी मुझे नहीं लगी, इसलिए मैंने आज जो है इसको सेल कर दिया। और इसके बाद जो है ये 52 रुपये के आसपास लॉस में गया, और उससे पहले जो कि मैं इसको सेल कर चुका था तो ठीक है, 50 रुपये के आसपास मेरा नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद बात करें तो राजाजी बायोटेक, जो कि केमिकल सेक्टर का अच्छा दिग्गज स्टॉक है, और इसके यदि बात करें पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे देखने को मिलेंगे, एक भी नेगेटिव फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा। अगर दूसरे फोर्थ नंबर के शेयर की बात करें तो CDSL मैंने लिए हैं, 4 क्वान्टिटी ली है और इसमें जो है 1 रुपये के आसपास का लॉस देखने को मिल रहा है। तो आज जो शेयर मैंने लिए क्लीन साइंस, हैप्पीएस्ट माइंड, रोजारी बायोटेक और CDSL लिए दोस्तों। तो आप चाहें तो यदि आपके पास है ये शेयर तो आप भी जो है इन शेयर में एंट्री ले सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। तो मैं लेकर के चलता हूँ कितना डाउन मिल रहे हैं स्टॉक, ये देखते हैं कि यदि आप चाहें तो इनको जो है एवरेज कर सकते हैं और क्वांटिटी ले सकते हैं, देखते हैं कि कितना डाउन में मिल रहा है। तो यदि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो ये करीब करीब आपको 26% के आसपास जो है डीप में देखने को मिलेगा, मतलब कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उठा सकते हैं। और यदि आपको और भी ज़्यादा यदि आपको डीप में मिलता है ये शेयर तो आप तब भी ले सकते हैं, ठीक है। यदि आपको ये शेयर जो है इससे भी थोड़ा बहुत डीप में मिलता है तो ले सकते हैं, लेकिन अभी के फिलहाल के प्राइस पे भी आप एंट्री लेना स्टार्ट कर सकते हैं। यदि बात करें नेक्स्ट शेयर की, तो अगला जो शेयर है वो है हैप्पीएस्ट माइंड, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ये भी अच्छे खासे प्राइस पे मिल रहा है, ऑल टाइम हाई से देखें कि कितना डाउन पे मिल रहा है। तो ये शेयर गया था 1526 रुपये के आसपास, तब से लेकर लगातार जो इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, मतलब कि 28% के आसपास जो है इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। यदि बात करें कि जब ये रशिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था तब कितनी गिरावट में देखने को मिला था तब बता देता हूँ मैं, तो ये सबसे ज़्यादा जो डीप में गया था 37% के आसपास गया था। और फिलहाल की बात करें तो फिलहाल जो है ये अच्छे खासा डाउन पे मिला, अभी के प्राइस पे अभी आप ले सकते हैं, 28% के आसपास जो है डिस्काउंट पे ये शेयर मिल रहा है। नेक्स्ट शेयर की बात करें तो अगला जो शेयर है वो है रोजारी बायोटेक। उसके बाद देखें कि किस लेवल पर हमें इसको जो है एवरेज करना चाहिए, ठीक है। अभी डीप में देख रहे हैं कि कितना डीप में ये शेयर मिल रहे हैं। तो रोजारी बायोटेक की बात करें तो ये शेयर जो है 1570 के आसपास गया था, उसके बाद जो यदि बात करें गिरावट की तो लगातार गिरावट में ये शेयर चल रहा है और फिलहाल जो है 37% के आसपास जो है गिरावट देखी जा रही है। तो आप इस शेयर में भी यदि आप जो आपने इसके ऊपर रिसर्च और स्टडी किया तो इस शेयर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। अगले शेयर की बात कर लेते हैं, लास्ट जो शेयर है वो दोस्तों CDSL। इसकी बात करें तो इनके इस शेयर के बिना तो जो है शेयर मार्केट भी अधूरा है दोस्तों, ठीक है। अब मैं बता दूं कि कितना जो है ये डीप में मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा कुछ डीप में मिलेगा आपको, तो इसीलिए मैंने एंट्री लेना स्टार्ट कर दिया है। पहले मेरे पास 5-6 क्वांटिटी थी, तो और भी क्योंकि मैंने इसमें जो है नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो इसलिए थोड़ी क्वांटिटी है। तो 1438 रुपये के आसपास फिलहाल प्राइस पे मिल रहा है और 13% के आसपास जो है ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पे मिल रहा है शेयर। अब बात कर लेते हैं कि किस एवरेज प्राइस पे जो है इन शेयर को लें, तो उनकी बात कर लेते हैं। मैं लेकर के चलता हूँ जो है इनके चार्ट की तरफ। बात करें क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, यदि ये शेयर जो है 1800 से 1900 के बीच में आपको मिलता है, 1800 से 1900 के बीच में, तो आप इस शेयर में जो है एंट्री लेना स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आप जो है चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल एंट्री लेना, तो फिलहाल भी एंट्री ले सकते हैं, सही टाइम है। मुझे नहीं लगता कि और डिप में ये शायद शेयर ना मिले और जल्दी जो है अच्छी खासी रिकवरी इन शेयर में देखने को मिले। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो 1000 रुपये के आसपास पहला जो है
डीप बोल सकते हैं, 1,000 रुपये के आसपास मिलता है तो ले लीजिए, उससे नीचे मिलता है तो और भी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। जल्दी इन सभी शेयर में जो है अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। रोजारी बायोटेक की बात कर लेते हैं। रोजारी बायोटेक ने जो है अच्छा डीप दिखाया था, 900 रुपये के आसपास 2 बार जो है टारगेट हिट किया था, उसके बाद जो है ठीक ठाक सी रिकवरी देखने को मिली है और ये बाय जोन से आउट हो चुका है। तो मुझे लगता है अभी फ़िलहाल जो है आप इस प्राइस पे ले सकते हैं या 950 रुपये के आसपास जो है ले सकते हैं इसमें क्वांटिटी। नेक्स्ट शेयर जो कि लास्ट है CDSL की बात करें तो CDSL काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर, तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा डीप में मिलेगा। और यदि बात करें तो अभी फ़िलहाल जो है फियर जोन में मिल रहा है, तो आप अपनी एंट्री जो है लेना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये 1,750 रुपये के आसपास गया था और फ़िलहाल जो है 1,438 रुपये के आसपास मिल रहा है, और इससे भी ज़्यादा डीप में, मतलब कि 1,350 रुपये के आसपास, लगभग 1,400 से नीचे और 1,300 से ऊपर, बीच में 1,300 1,350 रुपये के आसपास मिलता है ये शेयर, तो आप ले सकते हैं। अच्छा शेयर है और मुझे नहीं लगता कि ये जो शेयर है कभी बर्बाद हो गया या ख़राब होगा, तो अच्छे खासे रिटर्न ये चारों ही स्टॉक दे सकते हैं आपको। आप इनमें जो अपनी क्वांटिटी लेना स्टार्ट कर सकते हैं, यदि आपके पास पहले से ही है तो एवरेज कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और जो भी शेयर होते हैं मैं जब भी बाय करता हूँ तो आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, तो इसके ऊपर भी आप देखिए कि मैं भी किन शेयर में जो है परचेजिंग कर रहा हूँ, मतलब कि बाय कर रहा हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मतलब कि मैं भी अच्छा खासा जो है शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, स्मॉल कैप और मिड कैप में भी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।